हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू बीन्स की बहुत टेस्टी सब्जी। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने आलू को काटकर पानी में डिप कर दिया है, बीन्स को बारीक काट लिया है, अच्छे से वॉश भी कर लिया है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक बारीक काट कर लिए हैं, और यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया पत्ती बारीक कटा हुआ, और हमें चाहिए पानी, हींग, जीरा, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, ये लिए मैंने मसालों में, और सब्जी बनाएंगे सरसों के तेल में। तो सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हींग जीरा चटका लेंगे और इसमें लहसुन अदरक को डाल देंगे, एक मिनट भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, अच्छे से दो मिनट भूनेंगे, काला नहीं करना है हमें बस उसे। और जैसे ही प्याज भुन जाती है हम इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च और सूखे मसाले डाल देंगे। गरम मसाला भी हमने मिक्स नहीं किया है इसमें। दो मिनट हम इसे लो फ्लेम पर पका लेंगे। जैसे ही मसाला हमारा भुन जाता है हम इसमें डाल देंगे बीन्स और आलू को पानी से निकाल कर, अच्छे से इसको मिक्स करना है। उसके बाद इसमें पानी डालकर तेज आँच पर इसे बॉयल आने तक पका लेना है। पहले दो मिनट लगेंगे इसके लिए, ढककर पकाना है। अभी देखिए बॉईल आ गया है, तो एक बार मिक्स करके गैस को मीडियम कर देंगे और तकरीबन 12 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में इसे मिक्स करते रहेंगे, चला चला कर देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये देखिए सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार, आलू एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस बंद कर दी मैंने, गर्म मसाला अच्छे से मिक्स करेंगे और डाल देंगे फ्रेश हरा धनिया पत्ती। तो गरम गरम सब्जी हमारी तैयार है आलू बीन्स की। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।